अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। तो अगर आपने एक न्यू चैनल क्रिएट किया है, व्यूज़ नहीं आ रहे, सब्सक्राइबर्स नहीं बढ़ रहे, तो यार ये प्रॉब्लम बहुत ही ज़्यादा आजकल है कि कई ऐसे चैनल हैं जिनके व्यूज़ नहीं आते। बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, चैनल सर्च पर नहीं जा, चैनल ही नहीं सर्च पर जाएगा तो व्यूज़ कैसे आएंगे आपके। और एक और बड़ी बात है, वीडियोज़ पर अगर आप अच्छे से टाइटल नहीं देते, उसकी डिस्क्रिप्शन भी नहीं लिखते, टैग्स वगैरह नहीं देते, तो आपकी वीडियो भी सर्च में इतनी जल्दी नहीं जाती। तो ये आपने इन चीज़ों का ख़ास ख्याल रखना है। और उसके साथ एक और यहाँ पास नई अपडेट है, तो ये बात बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करती है कि हमारे बहुत से भाई जो चैनल बनाते हैं और एक मंथ दो मंथ के बाद छोड़ जाते हैं, वीडियोज़ अपलोड करना छोड़ जाते हैं, तो बाद में कहते हैं कि चैनल नहीं चल रहा था। तो यहाँ पास आप डेली के डेली अपना कॉन्टेंट अपलोड करें, जो भी है व्लॉग है, टेक के रिलेटेड है, इन्फॉर्मेशन है, तो यार मैं कहता हूँ व्यूज़ ज़रूर आएंगे। तो आप ये काम कर लेना अपने चैनल पर, तो आपका चैनल सर्च में जाना स्टार्ट हो जाएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल तो यहाँ पर आपने अपने गूगल क्रोम को ओपन करने के बाद यहाँ पर ओपन कर लेना है यूट्यूब को। तो यूट्यूब जैसे ही आप ओपन करेंगे ना, तो कुछ इस तरह से यूट्यूब आएगी जो होती है एक ओरिजिनल यूट्यूब की तरह। तो बेसिकली आपने ऊपर तीन डॉट नज़र आ रहे हैं ना, यहाँ पर आपने क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद नीचे आप डेस्कटॉप एक ऑप्शन होगा, इस पर आपने क्लिक कर देना, यानी कि डेस्कटॉप सेट्स। तो इस पर क्लिक करने के बाद कुछ ऐसे होगा जैसे कि कंप्यूटर में आपकी यूट्यूब है ना, कुछ इस तरह से वो ओपन हो जाएगी। तो जस्ट आपने यहाँ पर वीडियो अपलोड जैसे करते हैं ना, तो के साथ वाला, इस पर क्लिक करना है। तो यहाँ पर आपने अपलोड वीडियो पर क्लिक कर देना है, और वीडियो पर क्लिक करने के बाद जस्ट आपने चैनल्स ओपन हो जाता है। तो एक नीचे कॉर्नर पर सेटिंग वाला ऑप्शन नज़र आएगा, सेटिंग टाइप का, उस पर क्लिक करना है। उस पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो फर्स्ट पर जनरल्स आ जाता है, जिसमें यूएसडी डॉलर्स वगैरह लिखे होते हैं। तो ये आपने इसकी छेड़छाड़ नहीं करनी, जस्ट आपने चैनल पर क्लिक करना है। करने के बाद आप यहाँ पर अगर आपकी अदर कंट्री सिलेक्ट है तो पाकिस्तान आपने करना है, अगर पाकिस्तान से है तो अदर से हैं तो आप इंडिया से इंडिया वगैरह ऐसे सिलेक्ट कर लेते हैं, क्योंकि ये इन्फॉर्मेशन इंपॉर्टेंट होती है। ये आपकी लोकेशन टाइप जो नज़र आती है ना, वहाँ आप नीचे देख रहे हैं कीवर्ड्स, तो यहाँ पर आपने कीवर्ड्स देने, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है सर्च में लाने का। आपका चैनल का नेम है ना, तो उसके नेम के कीवर्ड्स देने हैं। अगर मिस्टर शुएब के नाम से चैनल है तो मिस्टर शुएब के यहाँ पर कीवर्ड मिस्टर शुएब, शुएब चैनल्स, मिस्टर शुएब, मिस्टर शुएब व्लॉग। तो एक और इंपॉर्टेंट होता है कि फर्स्ट पर अगर आपका न्यू चैनल है ना, तो आपको सब्सक्राइबर आपने छुपाने हैं, तो वो भी आप यहां से आप अपने सब्सक्राइब को हाइड कर सकते हैं। अगर आपने अपने सब्सक्राइबर को हाइड करना है ना, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। सब्सक्राइबर को फर्स्ट ऑफ ऑल तो यहां पर आप अपने हाइड करें, यानी शुरू से चैनल पे सब्सक्राइबर को हाइड करना लाजमी होता है। और यहां पर एक इंपॉर्टेंट चीज़ है, वो अगर आपने देनी है तो दे सकते हैं। अपलोड डिफ़ॉल्ट पर जाकर जो आपने अपलोड चीज़ करनी है, उसकी पहले से या डिस्क्रिप्शन है तो वो ऑटोमेटिकली आ जाएगी। जहाँ पर अगर आप देते हैं डिस्क्रिप्शन वगैरह, टैग्स वगैरह देते हैं तो आ जाएंगे। अगर व्लॉग से रिलेटेड है तो ये इंपॉर्टेंट होता है कि आपको वहाँ पर अगर वीडियो अपलोड करते हैं तो टैग नहीं देने पड़ते, वो पहले से ही आ जाते हैं। तो बेसिकली ये वो इंपॉर्टेंट चीज़ें थी, जो इन्फॉर्मेशन थी जो हमने आपसे शेयर करनी थी, चैनल के रिलेटेड, चैनल सर्च में नहीं जा रहा है। तो ये बात है, आपका चैनल सर्च में लाजमी जाएगा। ये आप कर लें अपने चैनल पर तो बहुत ही आसान है, तो हमने गाइड कर दिया है। अगर वीडियो अच्छी लगी लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर चैनल पर क्वेश्चन पूछना तो इंस्टाग्राम फॉलो पूछ सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।